गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। आवर सेकेंड लेसन टोटोस एडवेंचर इज कम्प्लीटेड एंड इट हैज ओनली 5 क्वेश्चन आंसर एंड आई थिंक यू हैड राइट ऑल ऑफ यू। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन 4। आवर लेसन 3 इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। इश्वरान द स्टोरी टेलर इट्स नॉट इंक्लूडेड नाउ इन योर सिलेबस बिकॉज ऑफ COVID-19. Today we are going to start lesson 4 in the kingdom of fools. In the kingdom of fools, yani ki rajya mein murkhon ke rajya. In this story, it's a very interesting story, and you have to read it step by step because it progresses in step by step. First of all, there are three main characters. King, that is the king of fools. मूर्खों के राजा है। सेकेंड इज गुरु एंड थर्ड इज गुरुज डिसाइपल। डिसाइपल होता है बेटा शिष्य, तो गुरु का डिसाइपल। देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स, किंग, गुरु, डिसाइपल। इंस्टेड ऑफ दिस थ्री कैरेक्टर देर आर मेनी अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो दैट वी रीड अबाउट इन द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल्स। देखिए जो किंगडम ऑफ फूल्स है, हियर द किंगडम, जो किंग था, किंग वाज फूल पर्सन। फूल पर्सन था बिकॉज पीपल हैड टू डू वर्क इन द नाइट एंड दे हैव टू स्लीप इन द डे। यहाँ के लोगों को ऑर्डर दिया गया था, उनको रात को तो काम करना होता था, जो भी हमारे रूटीन के काम होते थे, और दिन में वो लोग क्या करते थे, सोते थे। एंड इफ एनीबडी डिनाइड टू ओबे द ऑर्डर दे हैव टू पनिश। अगर कोई मना करता था तो उसको पनिश किया जाता था। तो इन दिस वे दिस किंगडम इज कॉल्ड फूल्स किंगडम, मूर्खों का किंगडम कहा गया है। एंड सेकेंडली दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकेंड कंडीशन वॉज कि हर चीज के लिए उन्हें वन डूडू, डूडू वॉज द करंसी ऑफ दैट किंगडम। उस किंगडम की करंसी थी जिसका नाम था डूडू। हर किसी को वो जो करंसी थी डूडू, हर चीज़ की, चाहे वो कितनी कॉस्टली चीज क्यों ना हो, सिर्फ वन डूडू ही हर चीज़ का प्राइस था। चाहे कितनी कीमती हो, प्रीशियस हो, कितनी ही लो हो, क्वालिटी की हो, लेकिन वन डूडू वाज दी सेम रेट फॉर एवरीथिंग। दीज आर द टू रूल्स इन द किंगडम। कौन कौन से थे? फर्स्ट कि क्या होगा वहाँ पर, लोग नाइट में तो काम करेंगे एंड इन द डे दे हैव टू स्लीप। सेकेंडली द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज वन डूडू। अगला पॉइंट देखिए था अराइवल ऑफ अ गुरु एंड हिज डिसाइपल। इन दैट किंगडम अ गुरु अराइव विद हिज डिसाइपल। एक गुरु अपने डिसाइपल के पास था, पूछता है, वो देखते हैं कि दिन का टाइम था, बट नो बड़ी बात देर कोई भी नहीं था। देवर हंग्री, दे वांट टू ईट समथिंग, बट ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड। नो बड़ी बस देर कोई भी वहाँ नहीं था, सारी शॉप्स क्लोज थी। तो वो वहाँ पर देखते हैं, जब नाइट होती है जैसे ही, तो क्या होना शुरू हो जाता है, शॉप स्टार्टेड ओपन होने स्टार्ट हो जाती है। एंड दे बिकम वेरी सरप्राइज टू सी दैट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज वन डूडू। डू वाज द करंसी ऑफ दैट प्लेस एंड लोग स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड लोग पीपल थे जो स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड वर्क इन द नाइट। दैट वाज सरप्राइजिंग थिंग फॉर बोथ ऑफ देम। तो क्या होता है, वो खाने के लिए कुछ मंगवाते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ तो सब कुछ वन डूडू में है। तो जो डिसाइपल होता है, डिसाइपल बिकेम वेरी हैप्पी और वो बहुत सारी चीज़ें मंगवा लेता है खाने के लिए, घी है और दूसरी चीज़ें हैं जो कॉस्टली चीज़ें थी वो मंगवाते हैं, उसको पे करना पड़ता है ओनली वन डूडू। तो गुरु थे जो, गुरु वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही थॉट दैट इट्स नॉट गुड फॉर द किंगडम, और गुरु राजा भी अच्छा नहीं है, समथिंग में भी हैपन है, कुछ भी हैपन हो सकता है यहाँ पर। तो गुरु डिसाइड करते हैं टू लीव द किंगडम। गुरु कहते हैं कि मैं इस किंगडम में नहीं रहूँगा बिकॉज एनीथिंग कैन बी हैपन हेयर, बिकॉज देर इज नो रूल, नो प्रॉपर रूल रेगुलेशन एंड इन दिस किंगडम आई कांट लीव। तो क्या कर देते हैं, गुरु लीव कर देते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। बट
disciple decided to stay there, and he also insist to his guru to stay here, but जो disciple था insist to stay here. वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा. And after some time he became very fat because everything was very low price. हर चीज़ बड़ी low price में थी, तो वहाँ वो खूब खाता जो भी चीज़ें मिलती. इससे वो क्या हो जाता है, he became very fat, बहुत मोटा हो जाता है. Next क्या होता है, burglar in the house of merchant. एक दिन जो किंग थे, फूल किंग थे, उनके कोर्ट में केस आता है. बर्गलर मीन्स एक थीफ था. थीफ के ब्रदर आते हैं. थीफ्स ब्रदर सेड दैट माय ब्रदर इज डेड. दैट वाज अ थीफ. कहता मेरा भाई जो एक थीफ था वो मर गया है. कहाँ मरा है, एक मर्चेंट के हाउस में. तो किंग पूछते हैं व्हाट वाज ही डूइंग देयर. तो वो कहता है कि ही वेंट देयर फॉर रोबरी. रोबरी के लिए वहाँ गया था. एंड द बोल वाज वेरी, जो लोग बोल थी वो बड़ी ही वीक थी, कमज़ोर थी. जब वो उसको बोल को तोड़ने लगा तो क्या हुआ, बोल गिर गई. उसके नीचे दब के जो बर्गलर था वो मर गया. तो किंगडम कहते हैं कि तो बहुत बुरा हुआ, हमारा भाई चोरी करने गया था और मर गया. तो फिर जो उसका ब्रदर था चोर का, वो कहता है मुझे जस्टिस चाहिए. तो कहते हैं कि ठीक है, जस्टिस के लिए सबसे पहले हम अब किंग क्या करते हैं, वेरी जस्टिस. कहता है अब मैं रियल जस्टिस करूँगा. किंग कहते हैं सबसे पहले वो ऑनर ऑफ द हाउस को कॉल करते हैं अपने कोर्ट. ही सेंड हिज कोर्टियर्स एंड कॉल द ऑनर ऑफ द हाउस. जिस घर में चोरी करने गया था चोर, उस घर के ऑनर को बुलाया जाता है. तो उस घर का जो ऑनर था बाजम बच्चे, एक व्यापारी था. और वो कहता है कि इट्स नॉट माई मिस्टेक ऑनर. कहता है ओनर इट्स माई नॉट माई मिस्टेक. कहता मेरी मिस्टेक नहीं है, इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ अ ब्रिकलेयर. ब्रिकलेयर हु कंस्ट्रक्टेड वॉल. कहता जिसने दीवार बनाई है ये उसकी मिस्टेक है. तो किंग सोचते हैं कि यार इट्स ट्रू, इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ ओनर ऑफ द हाउस, इट्स द मिस्टेक ऑफ ब्रिकलेयर. ही मेड द वीक वॉल, कमजोर वॉल बनाई है इसने. तो वो क्या करते हैं, ब्रिकलेयर को बुला लेते हैं बिकॉज ही कंस्ट्रक्टेड अ वीक. देन जो ब्रिकलेयर है, ये काफ़ी टाइम पुराने की बात हो चुकी थी, वो बूढ़ा हो चुका था. वो बूढ़ा आदमी आता है. तो बूढ़ा आदमी कहता है सर इट्स नॉट माई मिस्टेक. वेन आई वॉज कंस्ट्रक्टेड दिस वॉल अ डांसिंग गर्ल वॉज गोइंग हेयर एंड देयर अगेन एंड अगेन. कि जब मैं वॉल बना रहा था, एक डांसिंग गर्ल थी, वो बार बार कभी यहाँ जा रही थी, कभी वहाँ आ रही थी. एंड उसकी जो रिंग पायल की छन छन की आवाज़ थी, उसने मेरे माइंड को कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसने मेरे माइंड को दूसरी जगह दे दिया. इस वजह से दीवार अच्छी नहीं हुई. देन किंग थॉट दैट यार इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ ब्रिकलेयर, इट्स द मिस्टेक ऑफ अ डांसिंग गर्ल बिकॉज दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द डांसिंग गर्ल. नाउ ही कॉल्ड द डांसिंग गर्ल. डांसिंग गर्ल को बुलाते हैं. अब देखिए डांसिंग गर्ल ऑल्सो बिकम क्या हो गई है, वो वीक एंड ओल्ड, बहुत कमज़ोर हो गई है, पतली हो गई है, क्योंकि काफ़ी ईयर्स पहले की बात है. तो जब डांसिंग गर्ल आती है, डांसिंग गर्ल सेड सर इट्स नॉट माई मिस्टेक, आई वॉज गोइंग हेयर एंड देयर बिकॉज ऑफ अ गोल्ड स्मिथ. क्योंकि मैंने अपने कुछ ज्वेलरी दी थी बनाने के लिए, और गोल्ड स्मिथ मुझे मॉर्निंग में कहता इवनिंग में लेके जाना, इवनिंग में कहता मॉर्निंग में लेके जाना. कहते इसलिए आई हैव टू गो हेयर एंड देयर फॉर मेनी टाइम्स. कहता मुझे कई बार जाना पड़ा इस वजह से. तो शी सेड दैट इट्स नॉट माई मिस्टेक. देन अगेन किंग थॉट दैट या यू आर राइट, इट्स नॉट योर मिस्टेक, इट्स द मिस्टेक ऑफ गोल्ड स्मिथ. गोल्ड स्मिथ जो क्या करता था, ज्वेलरी बनाता था. एंड हु वाज द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ वाज द सेम मर्चेंट जिसके घर में चोरी हुई थी. ही वाज द मर्चेंट ऑफ गोल्ड, गोल्ड का व्यापारी था ये. तो इसके जो फादर थे उस टाइम वो ज्वेलर थे. तो जो कोर्टियर थे, कोर्टियर किसको ले आते हैं, जिसके घर में चोरी हुई थी उस मर्चेंट को ले आते हैं. दैट मर्चेंट सेड दैट सर इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स द मिस्टेक ऑफ माई फादर एंड ही इज ऑलरेडी डेड. कहते हैं मिस्टेक मेरी नहीं है, तो मेरे फादर की है, और मेरे फादर तो मर चुके हैं. तो किंग सोचते हैं, किंग कहते हैं, किंग रिप्लाई दैट नो,
इफ योर फादर इज डाइड देन यू हैव टू गिव द पनिशमेंट. कहते हैं तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है तो पनिशमेंट तुम्हें दी जाएगी. वाई? बिकॉज यू गेट द ओल प्रॉपर्टी ऑफ योर फादर, कि तुम्हें तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी मिली है. तो इस तरह से तुम क्या हो गए उनके, जब तुम्हें गुड थिंग्स उनकी मिली है तो बैड थिंग्स भी उनकी मिलेगी. तो जो उनकी गलत चीज थी उसके लिए पनिशमेंट तुम्हें किया जाएगा. वो बड़ा अफ्रेड हो जाता है, मर्चेंट विलियम अफ्रेड, एंड ही वॉज वेरी थिन, लीन एंड थिन, बड़ा दुबला पतला सा था. स्टैगवाज में स्टैग मीन्स फंदा बनाया जाता है. तो वेन द स्टैगवाज में मोर ड्रामा एट द स्टैग, बड़ा ड्रामा होता है स्टैग के ऊपर. क्या होता है, जो स्टैग था, जो स्टैग बनाया गया वो बहुत बड़ा था. एंड वेन द मर्चेंट वाज गोइंग टू हैंग देयर, जब मर्चेंट को लटकाने जा रहे थे वो बड़ा रह जाता है, वो लटक नहीं पाता जो मर्चेंट होता है. देन किंग ऑर्डर दैट, क्या ऑर्डर देता है, सर्च फॉर अ पर्सन हु सुटेबली हैंग ऑन दैट स्टैग, कि ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसका गला उस स्टैग में आ सके. एंड हु वाज दैट पर्सन, यस गेस, दैट पर्सन वाज डिसाइपल, बिकॉज डिसाइपल बिकेम वेरी फैट टू ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खा के डिसाइपल बहुत मोटा हो गया था. राजा के जो कोर्टियर थे वो क्या करते हैं, डिसाइपल को ले आते हैं, उसको स्टैग पे टांगने लगते हैं. तभी वो क्या करता है, अपने गुरु को रिमाइंड करता है, रिमेंबर करता है कि ओ माई गुरु यू सेड मी ट्रू, कि तुमने मुझे कुछ कहा था कि यहाँ पर कुछ भी हैपन हो सकता है, इट्स माई मिस्टेक, मेरी गलती है जो मैं आपके साथ नहीं गया. ओके गुरु, क्या थे उसकी बातों को सुन लेते हैं, अंतर्यामी थे तो उसके गुरु सुन के वहीं पर पहुँच जाते हैं. जो गुरु थे, गुरु यानी कि मास्टर ट्रिक खेलते हैं. क्या मास्टर ट्रिक खेलते हैं, वो क्या करते हैं, अपने डिसाइपल के कान में कुछ कहते हैं. डिसाइपल सेड दैट हैंग मी फर्स्ट एंड गुरु सेड हैंग मी फर्स्ट, दे रिब्यूक विद ईच अदर, झगड़ा करते हैं दूसरे के साथ. गुरु कहता है पहले मुझे हैंग किया जाए, डिसाइपल कहता है पहले मुझे हैंग किया जाए. किंग बिकेम वेरी सरप्राइज, कि मरना क्यों चाहते हैं, क्यों हैंग होना चाहते हैं. तो गुरु कहता है कि जो भी पहले जिसको स्टैक किया जाएगा, जिसको पहले फांसी दी जाएगी, वो नेक्स्ट जन्म में नेक्स्ट बर्थ लेने पे किंग बनेगा, और जिसको सेकंड टाइम में दी जाएगी उसको क्या होगा, वो उसका मिनिस्टर बनेगा. तो गुरु चाहता है पहले मैं डेथ हो मरूँ, और जो डिसाइपल है वो चाहता है पहले मैं मरूँ. तो उसके बाद राजा बड़ा सरप्राइज होता है, राजा कहता है नहीं आज किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, हम कल देंगे. और रात को जाके किंग क्या करता है, रात को उनको अपने कपड़े पहना देता है, डिसाइपल को और किंग को, और खुद उनके कपड़े पहन लेता है, और एक दूसरे कपड़े पहन के जो किंग था और जो उसका मंत्री था दोनों क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, स्टैक कर लेते हैं अपने आप को, ये सोच के कि अगले जन्म में हम ही राजा बनेंगे. अब सुबह उठ के सब लोग देखते हैं किंग एंड हिज मिनिस्टर वाज डेड, दोनों मर चुके थे. तो वो लोग अब कहते हैं कि डिसाइपल को और गुरु को, यू विल बी अवर नेक्स्ट किंग एंड मिनिस्टर, तो उनको अपना किंग और मिनिस्टर बना देते हैं. इससे देर गुड डेज अगेन रिटर्न, तो अगेन उनके अच्छे दिन आ जाते हैं. दिस इज द स्टोरी एंड दिस स्टोरी गिव्स अस मैसेज दैट अ फूल पर्सन कैन डू एनीथिंग, वी शुड कांट बिलीव ऑन अ फूल पर्सन इन द सेम मैनर लाइक अ किंग. रीड दिस स्टोरी बेटा इन योर बुक. थैंक यू.